माता का एक और रूप आता है जिसे कालरात्रि कहा गया है। यह ऐसा स्वरूप है जो मनुष्य को सिद्धि प्रदान करता है। माता के इस रूप को शुभंकरी भी कहा गया है, यानी कि शुभ फल देने वाली माँ, जो कल्याण करती है, जो सिद्धि देती है, जो शक्तियाँ देती है, जो पावर देती है। इस ब्रह्मांड में अनेक अनेक शक्तियाँ, अनेक सिद्धियाँ वास करती हैं। वह सिद्धियाँ, वह रिद्धि सिद्धि, वह प्रकाश, वह दिव्यता मेरे भीतर आ जाए, इसके लिए माता के कालरात्रि स्वरूप का ध्यान किया जाता है, शुभंकरी के स्वरूप का ध्यान किया जाता है। यह स्वरूप आपके सहस्रार चक्र में ऊपर की तरफ यहाँ पर होता है, और यहाँ जैसे ही साधक का ध्यान टिकता है, ये एक तरह से गेटवे है ब्रह्मांड का। यह दरवाज़ा है, जो खोल दिया जाए तो ब्रह्मांड से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। यहीं पर जैसे ही कनेक्शन होगा, आनंद की वर्षा होनी शुरू होती है। यहीं से ब्रह्मांड अपनी दिव्यता, अपनी सिद्धियाँ, अपनी शक्तियाँ साधक को देना आरंभ करता है। तो यह जो माता का स्वरूप है, यह परम मोक्ष देने वाला, कल्याण करने वाला, शुभता देने वाला, दिव्यता देने वाला, सिद्धि देने वाला स्वरूप है। तो कोशिश करके ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाकर यहाँ पर ध्यान टिका लें। जैसे मैंने आपको इन नवरात्रों में एक एक चक्र की साधना करवाई, देवी के एक एक रूप के बारे में बताया कि कैसे सबसे नीचे के चक्र से साधना करते हुए धीरे 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 ऊपर जाया जाता है, और फिर वापस किस प्रकार से हम अपनी शक्ति को शांत करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने रोज़ हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो आज के दिन हम आज्ञा चक्र पर मन को टिका कर इसको जागृत करेंगे, और साथ ही साथ अपनी शक्ति को किस प्रकार से ऊपर लेके जाया जाए, ब्रह्मांड से कैसे संपर्क जोड़ा जाए, इस विषय में भी हम अपना प्रयास रखेंगे। साथ ही साथ जैसे हम लोग और भी चीज़ें कर रहे हैं साधना करते हुए, आज वैसे ही अपने आप को सद्गुरु के चरणों में समर्पित करेंगे, देवी माता के चरणों में समर्पित करेंगे। अपनी सारे क्रोध को, फ्रस्ट्रेशन को बाहर फेंक दीजिए। मन केंद्रित हो जाए आज्ञा चक्र पर। तीन बार ओम का उच्चारण करें। ओम ओम ओम। पूर्ण रूप से शांत व सहज मन टिक जाए दोनों भवों के बीच। देवी माँ को प्रणाम करें, सद्गुरुदेव को प्रणाम करें, ब्रह्मांड की सभी पवित्र शक्तियों को प्रणाम। हम समर्पित करते हैं अपने आप को, हे मेरे गुरुदेव, मेरा कल्याण करो, इस पूरे विश्व का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, इस ब्रह्मांड का कल्याण हो, आशीर्वाद दीजिए। मन मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे वाला भाग, वहाँ पर मन टिके। लाल रंग पे ध्यान केंद्रित करते हुए शक्ति को, माता को जगाएं। न जाने कितने जन्मों से यह शक्ति सोई है, हे माँ तुम जागो, मेरा उत्थान करो माँ, मेरे पापों को नष्ट कर दो, मेरे दुखों को भस्म कर दो,
मैं पवित्रता के मार्ग पर चल पाऊँ, मैं ईश्वर के मार्ग पर चल पाऊँ। ओम का उच्चारण करें। ओम शक्तियों को महसूस करते हुए उन दिव्य शक्तियों को दूसरे चक्र की तरफ, स्वाधिष्ठान की तरफ लेकर आइए। संयम की शक्ति, तप की शक्ति भीतर जाग जाए। पूरी पवित्रता के साथ पूरी तरह से अपने आप को साधते हुए, मन को केंद्रित करते हुए, माता को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम ब्रह्मचारिणी शक्ति, तुम दिव्य हो, तुम तप से परिपूर्ण हो, मुझे भी शक्ति दो, मैं मन को संयमित कर पाऊँ, अपनी वीकनेसेस को छोड़ पाऊँ, कमजोरियाँ छूटे। शक्ति आए, भक्ति जागृत हो, संसार छूटे, नाभि केंद्र पर मन टिकाएं, माता की साहस वाली, शौर्य वाली शक्ति को याद कीजिए। दुष्टों का संहार करने वाली, सज्जनों की रक्षा करने वाली हमारे भीतर शक्ति को जगाने वाली माँ, प्रणाम करें उसे।